अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में दिखाऊंगी मैं, ये मिट्टी का पॉट है, मटका है, ये इसका DIY करूंगी, इसका फ्लावर पॉट बनाऊंगी। ये इससे फ्लावर पॉट बनाऊंगी। पहले चलिए चाय ढाल लेते हैं। चाय पीने के बाद ये बनाना चालू करती हूँ, शुरू करती हूँ इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे ही इसको चिपकाते जाना है चारों तरफ, सबको आधा होता है तो फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसको पूरे में लपेटूंगी। ये देखिए तैयार हो रहा है।
ये देखिए तैयार होने वाला है, बहुत खूबसूरत है। ऑफ कैमरा बहुत खूबसूरत लग रहा है, ये पॉट बहुत ही खूबसूरत है। ये डेकोरेटिव आइटम बन गया, इसको डेकोर करके रख दूँगी मैं, फ्लावर पॉट बना लूँगी या डेकोर करके कहीं शेल्फ वगैरह पे या किसी को गिफ्ट करूँगी। गिफ्ट करने में बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, पूरा तैयार हो जाता है फिर बता दिखाती हूँ। ये देखिए ये रेडी हो गया, कितना खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। और ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है ना, तो इसके लिए नीचे ये बनाई हूँ रिंग था, टेप का जो रिंग होता है और उस जूट से बंदी हूँ, तो इसको है ना सीधा रखने के लिए, सीधा रहने के लिए इस पे से इसको स्टिक कर दूँगी ऐसे। ठीक है, इसको ऐसे। ये निशान इसलिए लगा रही हूँ कि एकदम सेंटर में हो, क्योंकि ये थोड़ा टेढ़ा है। एक बार इसको ऐसे करके देख लेती हूँ, यहाँ पे ये थोड़ा सा धागा निकल गया था, तो यहाँ पे इसको ये क्रोशिया से मैं फ्लावर रोज बनाई हूँ। मैं सोच रही हूँ कि इसको ये क्रोशिया से बुनी हुई थी, बुन के रखी हुई थी। ये कुशन कवर मैं क्रोशिया से बना रही हूँ, अगले वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी। मुझे भी बहुत दिखाने की जल्दी है, डिज़ाइन डिज़ाइन के सब तरह के डिज़ाइन के बनाई हुई, बहुत खूबसूरत है। मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और ये देखिए अब इसमें फ्लावर वगैरह रखूँगी तो दिखाती हूँ, बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए ये तैयार हो गया, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए पूरा सेट, ये भी मैं बनाई हूँ। गुलाब जामुन का डब्बा था, ये देखिए ये ट्रे है, ये मेरे छोटे छोटे पॉट, ये सब प्लांटर जो है, ये ऑर्गेनाइज़र, ये सब प्लांटर प्लास्टिक प्लांटर, ये सब का मैं, ये भी इसको डेकोर कर ली थी, DIY कर ली थी इसका। ये सब स्टिक नहीं किया हुआ है, ये सब बुना हुआ है। ये देखिए ये वेस्ट आइसक्रीम स्टिक था, तो ये जो कंटेनर फूड कंटेनर होता है ना, ये फूड कंटेनर था, तो
तो इसको भी मैं बना ली डेकोरेटिव आइटम। एक ये इधर है अंदर शोपीस पे, वो बनाई थी। ये भी फूड कंटेनर था। सब मैं ऐसे ही बस कुछ ये दिमाग में कुछ ऐसे बस ऐसे चिपका दी तो अच्छा लगने लगा। मल्टी कलर आइसक्रीम स्टिक था तो मैं चिपका दी, अच्छा लगने लगा। ये वेस्ट लेस, ये जो होता है ना मैं कपड़े जो सिलती हूँ वेस्ट लेस था, तो इस पर मैं ये स्टोन वगैरह मोती है ये सब चिपका दी, डेकोर कर दी। ये देखिए, ये भी मैं नेक्स्ट वीडियो में डीआईवाई करूंगी। ये जो पर्स हैंड पर्स था, और ये हैंड पर्स था, अब इसमें क्रैश आ गया था और ये रिजेक्ट हो चुका था। इसको मैं ये देखिए डेकोर करके फ्लावर पॉट बना रही। ये देखिए, आपके घर में भी अगर ऐसे परसों फेंकिए मत, ऐसे डेकोरेटिव आइटम बना लीजिए, अच्छा लगता है। ये मैं बाथरूम में रखी हूँ, बाथरूम में मेरी टॉयलेट बाथरूम में रखी हूँ। ये देखिए, ये इतना अच्छा पर्स था। ये देखिए, इसको भी मैं बना ली। और ये पुराना फ्लावर था तो मैं भी इसको डीआईवाई करके इस पर सीक्वेंस चिपका दी। पुराना था ये सब, फेंकने में चला जाता तो इसको मैं बना दी। ये देखिए उसका कितना अच्छा काम किया हुआ है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इतना बेहतरीन काम बना हुआ है, कितने मेहनत से बनाया होगा जो भी बनाया होगा। ये सब रिजेक्ट हो चुका था, इसमें स्पॉन्ज भर के, ये देखिए, ये भी पुराना फ्लावर था, इस पर भी मैं सीक्वेंस चिपका दी। देखिए फेंकने से तो अच्छा हुआ ना, इसका फ्लावर उधर है। मैं किसी और वीडियो के लिए, आगे वीडियो जो बनाऊंगी उसके लिए मैं ये है, लेकिन अभी फ़िलहाल के मैंने इसमें ऐसे ही दिखा रही। मैं ना जो वेस्ट कागज़ वगैरह जो होता है ना, ये थैली वगैरह कैरी बैग वगैरह जो होता है हम शॉपिंग करके आते हैं कपड़े वगैरह का, वो सब बैग होता है, सबका मैं फ्लावर बना रही हूँ। ये सब मैं नेक्स्ट आगे वीडियो में, किसी वीडियो में दिखाऊँगी। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये फ्लावर। ठीक है, ये सब तो ये तो मैं किसी और वीडियो में दिखाऊंगी, मैं फिलहाल ऐसे ही इसमें रख के दिखा रही हूँ। ये सब तो छोटे छोटे स्टिक हैं, इसमें नहीं आएगा।